उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और हमारे जो सहयोगी दल हैं, अब उत्तर प्रदेश में लड़ाई नाम की चीज कोई नहीं रह गई है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चीफ ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी गठबंधन में शामिल होने के बाद बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर उनका स्वागत किया। तमाम बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं में ओपी राजभर की चर्चा तेज है, लेकिन इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल की भी चर्चा की जा रही है। लेकिन सवाल जो सोशल मीडिया पर लोग उठा रहे हैं कि अब तक सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओपी राजभर को लेकर क्यों कुछ भी नहीं कहा। अब चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं कि आखिर लोगों का राजभर को लेकर सीएम योगी के ट्वीट का क्यों इंतजार है। दरअसल ओपी राजभर जब योगी सरकार में मंत्री थे तो उस समय उन्होंने सबसे पहले सीएम योगी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद शुरुआती दौर में सीएम योगी चुप रहे। लेकिन जब लगातार सीएम योगी पर ओपी राजभर हमलावर रहे तो बीजेपी की ओर से सुबह सपा के साथ गठबंधन खत्म कर दिया गया, जिसके बाद भी ओपी राजभर हर मोर्चे पर बीजेपी की बखिया उधेड़ते रहे। जानकारों का तो यहां तक कहना है कि अभी भी सीएम योगी को ओपी राजभर पर भरोसा नहीं है, इसीलिए उन्होंने ट्वीट नहीं किया और ट्वीट करने से बच रहे हैं। खैर, अब इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आपको बता दें कि ओपी राजभर के एनडीए गठबंधन में आने की सबसे पहले जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर दी थी। उन्होंने लिखा था, श्री ओपी राजभर जी से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों व वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और बल मिलेगा। अमित शाह के बाद प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम भी उनका स्वागत करते दिखे। ब्रजेश पाठक लिखते नजर आए कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मंत्री एवं विधायक माननीय ओपी राजभर जी, आपका एनडीए में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हालांकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अमित शाह के ट्वीट को ही रिट्वीट किया। फिर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी ट्वीट कर लिखा, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए परिवार में सुबह सपा प्रमुख श्री ओपी राजभर जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके आगमन से यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम योगी आदित्यनाथ जी के उत्कृष्ट नेतृत्व में सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के संकल्प के प्रयास को और बल मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।